तो भाई कैसे हो आप लोग। और देखो, इट्स नो सीक्रेट के टोबी मैगुआयर और एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने स्पाइडरमैन के वर्जन्स में दिखने वाले हैं। इवन इफ इट्स जस्ट अ कैमियो अपीयरेंस, हमें इतने सारे हिंट्स मिल चुके हैं कि ये दोनों मूवी में होंगे। मगर अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके अकॉर्डिंग टोबी मैगुआयर के स्पाइडरमैन की स्टोरी स्पाइडरमैन 3 के बाद भी कंटिन्यू होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस पूरे रूमर को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा कुछ महीने पहले के रूमर्स की तरफ, जब हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही थी कि टोबी मैगुआयर सोनी और मार्वल से बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं स्पाइडरमैन 3 की अपीयरेंस के लिए। बट उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि शायद टोबी अपने खराब एटीट्यूड की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। मगर अब हमें ये पता चला है कि टोबी के ज्यादा पैसे मांगने की वजह उसके एटीट्यूड नहीं बल्कि उसके फ्यूचर अपीयरेंसेज हैं। एक नई लीक के अकॉर्डिंग हमें तीनों स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेंगे, और उसके बाद एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन की स्टोरी कंक्लूड होगी स्पाइडरमैन 3 नो वे होम के अंदर। लेकिन टोबी मैगुआयर का पीटर पार्कर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने को मिलेगा। और सोनी कंसीडर कर रहा है कि टोबी मैगुआयर और सैम रामी के साथ मिलकर एक और स्पाइडरमैन मूवी डेवलप की जाए जिसमें टोबी मैगुआयर के स्पाइडरमैन की स्टोरी का एंड हो। मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन 3 में टोबी का स्पाइडरमैन होगा, और ना सिर्फ टोबी का स्पाइडरमैन 3 में होगा बल्कि मुझे ऐसा भी लगता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर दो मूवीज की डील ना होती तो टोबी साइन करने में इतना ज्यादा टाइम ना लगाता। तो ये तो मेरा लॉजिक और रीजन है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। तो हाँ, ये तो मुझे पॉसिबल लग रहा है कि टोबी मैगुआयर हमें स्पाइडरमैन 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेगा, लेकिन टोबी मैगुआयर की 4th स्पाइडरमैन मूवी को लेकर मुझे सीन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। और ये ट्रिकी इस वजह से है क्योंकि सोनी और मार्वल ने जो डील की थी स्पाइडरमैन को लेकर वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए थी, उनको एमसीयू के अंदर रखने के लिए। तो एक टाइम पर दो स्पाइडरमैन की मूवीज बनाकर चीजें थोड़ी रिस्की हो सकती हैं, क्योंकि शायद इस तरीके से फैंस भी डिवाइड हो जाएं। और हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब फैंस डिवाइड होते हैं तो अल्टीमेट नुकसान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और स्टूडियो का ही होता है। तो मुझे इस 4th स्पाइडरमैन मूवी को लेकर थोड़ा डाउट है। खैर, मेरा गेस तो एंड्रयू और टोबी की स्टोरी से लेकर यह है कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन 3 मतलब कि स्पाइडरमैन नो वे होम में मारा जाएगा, और टोबी मैगुआयर का जो पीटर पार्कर है उसकी स्टोरी कंप्लीट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। खैर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्पाइडरमैन 4 पॉसिबल है टोबी मैगुआयर और सैम रामी के साथ, या फिर आप ये समझ रहे हो कि ये अच्छा ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है। कमेंट करना कुछ भी दिल करे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।